सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं KTM की तरफ से नई बाइक ड्यूक 125। एक्चुअली ये बाइक नहीं है, इसमें आपको नए अब लुक के साथ अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड फॉर दिस वी आर बैक अगेन एट दी KTM अनिशाबाद शोरूम, ताकि ये जो बाइक है मैं इसे कवर कर पाऊँ। और अगर पुराने बाइक के प्राइसिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो पुरानी वाली बाइक जो है उससे ये 8000 आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ दिस बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम 1.50 लाख, और पहले 1.42 लाख के आसपास होती थी। तो आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी के सारे फीचर्स को डिस्कवर करने वाले, इस गाड़ी के सारे चेंजेस को देखेंगे एंड एवरी सिंगल डिटेल। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी आशा मोटर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो विदाउट फर्दर टू चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. सो फ्रंट से अगर हम बात करें, तो फ्रंट में आपको जो चेंज है वो आप देख पा रहे होंगे। ये अब आपको यहाँ पे हैलोजन टाइप हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ड्यूक 250 अगर आप देखोगे तो उससे रिजेंबल करती है। और काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें जो चेंजेस है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आपको DRLs देखने को मिलने वाली है एंड इंडिकेटर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। अब जो फ्रंट सस्पेंशन है उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करा गया है, एंड जो फ्रंट ब्रेक्स है वहाँ पर भी आपको कोई चेंजेस नहीं करा गया है। वहाँ पर भी आपको 300mm की आपको फाइबर की तरफ से ब्रेक्स प्रोवाइड कराई गई है। अब आप इस गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देखोगे, तो साइड प्रोफाइल से भी आप इस गाड़ी को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ड्यूक 250 है। इनफैक्ट अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा सा आप इसका डिज़ाइन, मतलब जो पेंट स्कीम है उसे अगर आप चेंज कर दोगे, और ये जो ड्यूक 125 वगैरह जो लिखा हुआ है ये सब अगर आप हटा दोगे, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ये ड्यूक 125 या ड्यूक 250। तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो इस जगह पर आपको ड्यूक 125 लिखा हुआ देखने को मिलता है। एंड इसमें जो आपको इंजन देखने को मिलती है वो भी प्रॉपर सेम, इसमें भी आपको कोई भी ट्विक्स या फिर कोई अपग्रेड नहीं करा गया है। इसके इंजन आपको 124.7 सीसी की आपको इंजन देखने को मिलती है, जो कि आपको फ्यूल इंजेक्टेड है, एंड 14.7 bhp की आपको पावर जनरेट करती है एंड 12 Nm की आपको टॉर्क जनरेट करती है ये गाड़ी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट की हम यहाँ पर बात करें, सो रियर से अगर आप इस गाड़ी को चेकआउट करोगे तो ये भी आपको प्रॉपर 250 की तरह ही आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको LED टाइप हेड टेल लाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलती है, एंड लाइसेंस प्लेट फ्रेम अगर आपको देखने को मिलता है। अब रियर सेक्शन के बारे में बात करें, तो रियर में भी एज सच आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं दिया गया है। रियर में आपको वही 230mm की डिस्क देखने को मिलती है, 150x60 17 inches के आपको रियर टायर्स देखने को मिलते हैं। एंड जो रियर सस्पेंशन है वो भी आपको प्रॉपर सेम है ड्यूक 125 जो पहले आती थी उससे ही। तो जो अंडरपिनिंग्स है उसे कहूँगा कि वो प्रॉपर सेम है ड्यूक 125 2020 वेरिएंट से, और जो भी चेंज हुआ है वो बस इसके लुक्स में चेंज हुई है। और क्योंकि काफ़ी लोगों को, मतलब ड्यूक 200 की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी, तो इंटरनेशनल मार्केट में ड्यूक 125 आपको इसी लुक के साथ आपको आता था, तो इंडिया में ये आना कंपलसरी था। बात करें इसके सीट्स के बारे में, सो सीट की आप कुशनिंग देख सकते हो, थोड़ी हार्डर साइड पे है बट इट्स ओके। एंड अब आपको जो है वो सीट काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है, जिस वजह से जो कंफर्ट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। एंड जो रियर सीट है उसकी भी कंफर्टनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको ग्रैबल्स देखने को मिलते हैं जो कि ब्लैक कलर में पेंटेड है। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि आपका 3 लीटर्स बड़ी है। पहले आपको 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती थी, और इन सारे चीज़ों की वजह से जो वेट है गाड़ी का वहाँ पे आपको इंक्रीज़ देखने को मिला है 7 kg से। पहले आपकी गाड़ी 152 kg की आती थी एंड अब ये गाड़ी आपको 159 kg के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये सब सारे चेंजेस के वजह से जो सीट हाइट है उसमें भी आपको इंक्रीज़ हुआ है 5mm से, और अब जो सीट हाइट है वो आपको 880mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलती है, 1993mm की आपको ओवरऑल इस गाड़ी की लेंथ देखने को मिलती है। और अब अगर मैं यहाँ पे बात करें, तो इस गाड़ी में जो भी आपको, जैसे इसकी जो टैंक अगर आप देख रहे हो, तो टैंक की जो शेप है वो मुझे पहले, मतलब ड्यूक 250 की जो टैंक आती थी वही एकदम आइडेंटिकल है, और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है ड्यूक 250 का लुक। एंड सच बताऊँ तो ड्यूक 125 जो 2020 वेरियंट आती थी मुझे उसकी लुक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, बट अब ये जो गाड़ी है इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई है। और यहाँ पर अगर इसके
रियर साइड व्यू मिरर के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की आपको यहाँ पे दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको जो विजिबिलिटी है वो प्रोवाइड कराता है। एंड अगेन अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसकी जो स्विच गियर्स है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो फील एंड फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको पुट टुगेदर की गई है इसकी स्विच गियर्स। तो इस जगह पे आपको किल स्विच वगैरह देखने को मिलती है एंड यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिलता है। अब बात करें इसके स्पीडोमीटर कंसोल के बारे में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द की ऑफ द व्हीकल, सिमिलर है सारे अदर KTM बाइक से। और अब आप इसके स्पीडोमीटर कंसोल पे देखोगे तो स्पीडोमीटर कंसोल में आपको एज सच कोई भी चेंजेस देखने को नहीं दिए गए हैं, वही पुराना स्पीडोमीटर कंसोल है, जिसमें कि जो जो इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे आपको RPM मीटर देखने को मिलता है, स्पीड मीटर देखने को मिलती है एंड यहाँ आपको गियर इंडिकेटर देखने को मिलता है। एंड इस बटन से आप इस छोटी सी MID को आप टॉगल कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको फ्यूल रेंज देखने को मिलता है, ट्रिप कंप्यूटर 1, ट्रिप 2, यहाँ पे आपको दो ट्रिप कंप्यूटर आपको दी गई है, जो कि एक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी एक बात हो जाती है। ABS की लाइटिंग आपको देखने को मिलती है एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे इसके एग्जॉस्ट, तो आपको वही अंडरवेली एग्जॉस्ट देखने को मिलती है। तो अब बात हो रही है एग्जॉस्ट के बारे में, तो चलिए सुन लेते हैं इस गाड़ी के एग्जॉस्ट नोट। तो पहले के मुकाबले जो एग्जॉस्ट नोट है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उसमें चेंजेस देखने को मिला और जो गाड़ी है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर साउंड करती है। एंड तो ये सब सारे चेंजेस थे जो KTM ने किया है अपने ड्यूक 125 2021 वेरिएंट में। आई होप कि आप लोगों को ये चेंजेस पसंद आई होगी। सो मेनली अब बात आती है कि क्या आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं। सो देखिए, बेसिकली पहले जो आपको ड्यूक मिलता था और अब जो आपको ड्यूक मिलता है, दोनों में तो काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस किए गए हैं, बट अभी भी जो पावर वगैरह है वो आपको वहीं पे रखी गई है, जिसमें कि आपको 14.7 BHP की आपको पावर जनरेट करती थी वो वाली इंजन। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो तो ये थोड़ी सी कॉस्टलियर पड़ जाती है, और भी इसके जितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो MT-15 हो गई, MT-15 में आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। सो एनीवेज, आई होप कि आप लोग को एक बेहतर आइडिया लग गया होगा कि आप लोग को कौन से गाड़ी के साथ जाना चाहिए। And this was the video guys, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोग भी नोटिफाइड हो जाओ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी बाइक कार, यू कैन जस्ट मेल मी ऑन HMOTOL99@gmail.com एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, दिस इज HMOTOL साइनिंग ऑफ। The wind is blowing through her hair, we like to head out on the road.